कल की चाय बड़ा कड़क बनी थी। मेरा नंबर लगा दो भाई चाय के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज सुबह सुबह 9:30 हो गया। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, सो जाना पड़ेगा फिर से। आज लेट उठा हूँ, अभी उठा हूँ, तो आज सोच रहे हैं कि ऑफिस जाएंगे बिना नहाए जाएंगे। आंखों में नींद अभी भी है, तो चलिए चाय पीते हैं, चाय पी के नींद खोलते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। चाय वालो वो लो ये लो। चाय बेहतरीन बनी है, जिसमें मेरा योगदान है निकाल के रखने का गिलास कप में। मेरी ड्यूटी है सुबह सुबह पाव गर्म करने की, क्योंकि मेरे साथ में जो इंसान है वो पाव में बटर डालता नहीं है, तो डर लगता है बटर डालने में, फैट आ जाएगा। आज है बिहार का इलेक्शन, मतलब दूसरा चरण है बिहार में इलेक्शन का आज, जिसमें हमारा क्षेत्र पड़ता है जहाँ से हम वोट दे सकते हैं। नाम है लिस्ट में, सब कुछ है, बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर इश्यूज बड़े दिली ख्वाहिश है कि जाके वोट करेंगे, बट वो ख्वाहिश ही रह गई। लॉकडाउन ने, कोविड ने ऐसा कर दिया कि वोट देना भी ख्वाहिश हो गई है। यो मैन, ऑफिस के लिए रेडी, चश्मा लगा के। बिल्डिंग में स्कूटी की आबादी जो है बढ़ गई है। स्कूटी आजकल उधर चली जा रही है, पहले इधर लगाता तब इधर लगाता हूँ। स्कूटी भी साफ़ करना, गंदा हो गया, 3 दिन से सोच रहा हूँ इसको साफ़ करने का, रोज़ कैमरे में यही आ जा रहा है टट्टी कमरों का। तो हमारा यूजुअल रास्ता जो है ये है, जिससे मुर्गे का ट्रक जा रहा है, तो आज हम लोग इधर से जाएंगे। अरशद वारसी का घर ये है, ये अरशद वारसी बिल्डिंग है, ये वाली। ये स्कूल लॉकडाउन से पहले बनी थी और अभी फर्स्ट क्लास है। पुलिस वालों का बहुत ही क्या बात है, आजकल पुलिस वाले पूरा राउंड अप पे हैं, क्या हो गया इशू, चेकिंग चालू है क्या। साफ सफाई हो रहा है या उठा कर लेके जा रहे हैं सारा, बीएमसी वाले आए हैं सारा। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम आज इधर पूरा साफ़ कर दिया, तोड़ दिया जो ऑफिस नए इन लोगों ने बनाए थे। घास तो इनके ऊपर गिरेगी, जो लेफ्ट में झोपड़ियाँ हैं इनको कहीं आकर तोड़ देंगे ना, तोड़ते हैं साल में एक बार तो तोड़ते ही हैं, आज कहीं मौका मिल जाएगा तो तोड़ भी देंगे। या ऊपर से परमिट अलाउड नहीं हुआ होगा, सब घबराहट तो होगी सबको। सीना चल रहा है, चला जाए भाग गए। लैपटॉप लेके रोज आ जाता हूँ, काम करता ही नहीं मैं यहाँ पे, समझ में नहीं आता। ये काम बहुत अच्छा हो गया, वन वे कर दिया पूरा, सारा पूरा घेर दिया है, हमें निकलने में आसानी हो गया। एक सेकेंड, चेकिंग चालू है, एक आदमी भाग गया, अभी पुलिस वाले लगे हुए हैं चेकिंग में। नो पार्किंग का ट्रैफिक है ना, तो एक कपल जो गाड़ी चला रहा था फोन आ गया यार, लेकिन भाई तब तक तक बहुत ट्रैफिक है आज। आज है वेडनेसडे सुबह के 8:38 और ब्लॉग है ट्यूजडे का। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कल शाम को जो है एडिट में ही 2-3 घंटे चले गए, फोन भी बिजी हो गया, ब्लॉग कर नहीं पाए क्योंकि प्लानिंग थी कार्डियो करने की। तो वो सेक्शन जो है जॉगिंग का, शाम की इवनिंग का, उसको मैंने उठा के सुबह डाल दिया आज। एक सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा चीज़ चल रहा था बीच में, आज से 3 हफ्ते पहले, बाबा का ढाबा, सुना होगा दिल्ली में मालवीय नगर में, जिसमें एक यूट्यूबर है जिसके चैनल का नाम है स्वाद ऑफिशियल, जिसने वो शूट किया था, जिनका नाम है गौरव बसंत। तो उन्होंने उस टाइम पे 3 हफ्ते अक्टूबर 7th 5
5th अक्टूबर के आसपास ऑलमोस्ट एक महीने पहले शूट किया था, और वो बहुत ज़्यादा यू नो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया, चांस पे हाईलाइट हो गया। 2-3 दिन के अंदर इतनी मीडिया आ गई, पूरे देश के लोग आ गए, लोगों ने डोनेशन देना शुरू कर दिया। ढाबा का ढाबा कैसे यू नो कैसे सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ ये मुझे पता तो था नहीं, बट जिस बंदे ने जिसका नाम मैंने नाम लिया स्वाद ऑफिशियल, जो यूट्यूब चैनल आप जाकर देख सकते हैं, इस ये बंदा पहले से भी गौरव जो पहले से भी ये काम करते आ रहे हैं, ये क्लिक हो गया। जो होता है मुमन, आप अगर काम कर रहे हैं तो कोई एक तो ऐसा यू नो कंटेंट है जो क्लिक हो जाता है, जिसमें सच्चाई होती है, और हाथों हाथ वो यू नो इस तरीके से इनॉर्मसली जो है ओवरऑल पूरे इंडिया में यू नो फेमस हो जाता है। चाहे वो बाबा का ढाबा फेमस हो गया हो, या फिर वो जो गौरव बसंत है, तो गौरव बसंत तो फेमस नहीं हुए जितना बाबा का ढाबा फेमस हुआ। वजह क्या है कि वो बंदा तो उसका काम ही वो कर रहा था, बट फेमस अब हुआ कब, जब कंट्रोवर्सी हो गया और उसके अगेंस्ट में बाबा के ढाबा के जो ऑनर थे, जो बुज़ुर्ग आदमी थे, जो रो रहे थे, उन्होंने केस कर दिया। आप अल्टीमेटली जो है आपकी दुकान पे कोई आ नहीं रहा था, और उसने ऐसा किया कि बहुत सारे लोग आ गए, आपको आपका जो यू नो जो कमी है, जो होता है, वो सारी चीज़ें दुख को दूर करने की कोशिश की। तो इसमें मुझे लगता है कि वो बाबा का ढाबा वाले को FIR होनी चाहिए, करनी चाहिए, बट उन्होंने किया है और वो फिर फेमस हो गए हैं। बड़ा इसको बैलेंस करके बोलना बड़ा मुश्किल है, कौन गलत है कौन सही है। फैक्ट्स जो है अब तो जब भी हो सामने आ ही जाएगा सबके। और अगर जिसने ये शूट किया था, जिसने इतना फेमस किया बाबा को ढाबा को, और वो बंदा अगर सही है, तो बड़ा मुश्किल होगा आगे जाके यू नो किसी भी, या तो इंस्पिरेशन हो जाएगा कि ठीक है यार हम काम कर रहे हैं, करते रहो, लोग क्या सोचते हैं डजंट मैटर। बट सोशल मीडिया थोड़ा सा यू नो क्योंकि हर आदमी रोटी सेकने आ जाता है यहाँ पे, कोई किसी के पक्ष में बात कर रहा हो, कोई किसी के अगेंस्ट में बात कर रहा हो, बट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, शबक है, और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।